हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे। इस चैनल पे के द्वारा मैं आपके सामने रोज़ाना की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव और या कि आपकी जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये आपके बहुत काम आएंगे। सो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का इस वीडियो का है द केमिस्ट्री नोबल प्राइज़ फॉर 2021। सो ये इस साल का नोबेल प्राइज जो आज यानी कि 7 अक्टूबर को अनाउंस हुआ है, तो ये दो साइंटिस्ट को दिया जा रहा है। बेसिकली ये है जर्मनीज बेंजामिन लिस्ट जो पहले रेसिपिएंट होंगे केमिस्ट्री नोबेल के, और दूसरे हैं यूएस बेस्ड डेविड मैकमिलन जो जिनको ये केमिस्ट्री का प्राइज नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इनकी कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालाइसिस के लिए, सो बेसिकली ये मेथड जो है हमें नए टाइप के कैटलिस्ट्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। वैसे तो आपने अपनी जनरल केमिस्ट्री में प्राइमरी एडुकेशन में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन को स्पीडन अप करने के लिए काम आता है। तो बेसिकली ये खुद वैसा ही रहता है जैसा होता है, बट ये रिएक्शन को फास्टन और स्पीडन अप कर देता है। तो ठीक है, इस डिस्कवरी से पहले हमें दो टाइप के कैटलिस्ट ही पता थे। एक तो कुछ मेटल्स किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करते थे, और दूसरे थे एंजाइम्स जो कि हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो ये दो टाइप के कैटलिस्ट जो हैं इस डिस्कवरी से पहले एग्जिस्ट करते थे, बट अब इनके डिस्कवरी के बाद और इस मेथड की इंट्रोडक्शन से, दैट इज एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालाइसिस, इस मेथड से हम थर्ड टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को डेवलप कर पाएंगे जो कि बहुत ही स्मॉल होंगे साइज में, स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज होगा उनका, एंड दे विल बी चीप टू प्रोड्यूस और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होंगे। सो दैट इज़ वाई ये इनकी डिस्कवरी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और इसकी एप्लीकेशन जो है दैट इज़ वेरी ह्यूज। वो हर इंडस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करती है, जिसमें कैटालिसिस यूज होता है, कैटलिस्ट्स यूज होते हैं, वहाँ वहाँ इस डिस्कवरी की एप्लीकेशन होगी। तो ये नोबेल कमेटी के अकॉर्डिंग कि दुनिया की 35% ऑफ GDP जो है वो यूज़ करती है केमिकल कैटालिसिस को। तो आप देखिए इस डिस्कवरी का इतना ह्यूज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा, इतने 35% अपनी वर्ल्ड की GDP में ये डिस्कवरी जो है कंट्रीब्यूट करेगी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, और इसीलिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा है। सो जैसे सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल रिसर्च, सोलर सेल्स, इन जगहों पे बायोटेक्नोलॉजी में भी आप कह सकते हैं, जहाँ जहाँ केमिकल रिएक्शंस और कैटालिसिस यूज होता है वहाँ वहाँ इस डिस्कवरी की एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री के इस साल के नोबेल प्राइज के बारे में। आपको ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी नहीं पूछेगा। एवरीवन नोज कि आप इतने केमिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं है कि आप सब समझ पाएं। बेसिकली आपको बस याद रखना है कि ये क्या, किस चीज़ के लिए इनको प्राइस दिया गया है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि दिया ही क्यों गया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपको पिछले सालों के नोबेल प्राइज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। यूजुअली ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो नाम इस साल के दे देंगे और जो डिस्कवरी है वो पिछले साल की रख देंगे, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से ये याद करना। 2020 में इन दो साइंटिस्ट को, दैट इज़ इमैनुअल कारपेंटियर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट जेनिफर ड्यूडना, इनको क्रिस्पर कास DNA स्निपिंग सीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक टेक्नोलॉजी है, इस पर तो मेन्स पे भी आंसर बन सकता है, तो ये आप बहुत ध्यान से कर लीजिए। ऑलरेडी UPSC में तो इस पर प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अबाउट दिस, कि इसमें ये इसका एंजाइम पार्ट होता है जो कि तो फिर उस इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पे और क्वेश्चन भी और एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से याद कर लीजिए और इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस वीडियो, पर आप अगर चाहें तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो।
उसके बाद 2019 में तीन साइंटिस्ट को केमिस्ट्री का नोबल मिला था, दैट इज़ जॉन गुडेनफ ऑफ यूएसए, स्टैनली विटिंगम ब्रिटेन के, और अकीरा योशिनो जापान के. इनको लिथियम आयन बैटरीज डिस्कवर करने के लिए, डेवलप करने के लिए नोबल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में. सो ये आप याद रखिए इन्फॉर्मेशन. अब हम थोड़ी केमिस्ट्री की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लें. आज तक टोटल नोबल लॉरेट्स केमिस्ट्री में 185 हो चुके हैं और नोबल प्राइजेज केमिस्ट्री में 112 हैं. तो ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि कई बार मल्टीपल लोगों को भी प्राइज़ दिया जाता है, तो नंबर ऑफ़ लॉरेट्स जो हैं वो बढ़ गए, पर नंबर ऑफ़ प्राइजेज आज तक 112 दिए गए हैं. ठीक है. तो वो यंगेस्ट इंसान कौन है जिसको केमिस्ट्री में नोबल प्राइज दिया गया है, वो हैं फ्रेडरिक जोलियट. ये 35 ईयर ओल्ड के थे जब इनको केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिला था. और सबसे ओल्डेस्ट और या बूढ़े इंसान जो थे 97 ईयर्स ओल्ड के थे, वो थे ये जॉन बी गुडेनफ, जिनको केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिला था. फीमेल नोबल प्राइजेस, 7 फीमेल्स को आज तक केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिल चुका है. तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिए, एसएससी वगैरह एग्जाम्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है. उसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट नोबल प्राइज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं. तो ये अवार्ड ईयरली दिया जाता है, दिया रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जाता है इन 5 फील्ड्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन एंड पीस. प्लीज़ याद रखिएगा, इट्स नॉट गिवन फॉर मैथमेटिक्स और इट्स नॉट गिवन फॉर इकोनॉमिक्स. ये 5 ही फील्ड्स है जिसमें दिया जाता है. तो ये 5 फील्ड्स केयरफुली ध्यान में रखिए. और ये ऐसा क्यों है कि इन्हीं 5 फील्ड्स में दिया जाता है और कहीं क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबल साहब की विल पे बेस्ड है. नोबल साहब ने कहा था, अपनी विल में लिखा था कि जो भी लोग मैनकाइंड की बेनिफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करें इन 5 फील्ड्स में, कुछ ऐसी डिस्कवरी करके जो ह्यूमन काइंड के वेलफेयर में काम आए, तो उनको इनकी वेल्थ में से प्राइस दिया जाना चाहिए. सो दैट इज़ वाई ये 5 ही फील्ड्स में दिया जाता है और कहीं नहीं दिया जाता. और फील्ड्स के लिए आपको और प्राइजेस इंस्टीट्यूट किए जा चुके हैं जो कि इक्वलेंट है नोबेल के, बट नोबेल इन 5 में ही दिया जाता है. नेक्स्ट है कि लॉरेट्स को मिलता क्या क्या है. एक तो गोल्ड मेडल दिया जाता है जिसपे नोबल साहब का इंस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद एक डिप्लोमा भी दिया जाता है, और फिर एक अमाउंट ऑफ मनी भी दी जाती है. तो ये जो अमाउंट ऑफ मनी है वो ईयर टू ईयर वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग अवेलेबल विद नोबल फाउंडेशन. इस साल ये 10 मिलियन करोनर दिया जाता है, जा रहा है हर नोबल प्राइज के लिए. तो करोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी है, ये सारा जो है स्वीडन ही मैनेज करता है नोबल प्राइज. अल्फ्रेड नोबल साहब स्वीडन से बिलोंग करते थे, इसीलिए तो ये करोनर में दी जाती है 10 मिलियन करोनर. और ये जो सिलेक्शन बोर्ड है इसको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अनाउंस कर देता है नाम. जैसे अब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर चल रहा है तो नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम जो है वो अनाउंस किए जा चुके हैं, पर जो एक्चुअल सेरेमनी है जब अवार्ड दिया जाता है वो 10 दिसंबर को होता है, जो कि नोबेल साहब की डेथ एनिवर्सरी थी जिस दिन होती है, तो फिर उस दिन एक्चुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. और ये सेरेमनी होती कहाँ है, स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में होती है, जो कि स्वीडन में है. स्टॉकहोम में कैपिटल है स्वीडन की, या राजधानी है स्वीडन की, तो ये आप याद रखिएगा. तो वहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ये दिस टॉपिक ऑन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज. होप दिस हेल्प्स. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़. होप दिस हेल्प्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.